सीडीओ संजय कुमार मीना ने जनपद में चयनित 3 आकांक्षी ब्लॉकों के कार्य को 100% पूरा कराए जाने को लेकर विकास भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि जनपद में 3 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक चुना गया है, जिसमें ब्रह्मपुर, बांसगांव, कैंपियरगंज ब्लॉक को शामिल किया गया है। ये ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें बाकी जनपदों की अपेक्षा ब्लॉकों की अपेक्षा कम काम हुआ है, जिसको लेकर बैठक हुई है। उन्होंने कहा इन ब्लॉकों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा का विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करवाया जा सके। जो लोग इन ब्लॉकों में ड्यूटी कर रहे हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर नोट कर शासन को भेजा जाए, जिससे अधिकारी डायरेक्ट संपर्क कर कार्यों की जानकारी ले सके। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, विकास खंड जो 3 हैं अपने यहाँ, वहाँ के से संबंधित जितने अधिकारी हैं उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें अपने यहाँ सभी को तो पता है ना कि कौन कौन से विकास खंड है, पहले सभी को पता है। चिकित्सा से आप बताते हैं, आपको जानकारी है कौन कौन है प्लीज बताइए, फिर तो हम थीम बताएं तो फिर इसके बाद डिटेल में करें। तीनों विकासखंड पता है अपने यहाँ इस जनपद गोरखपुर जनपद में है, 3 विकासखंड ऐसे हैं जो इसमें चयनित हैं। है ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सबको पता है ये पूरे प्रदेश में 100 ऐसे विकास खंड लिए गए हैं जो क्षेत्र जो 5 हैं, मुख्य उद्देश्य है कि वहां पर जो है चिकित्सा, शिक्षा, कुपोषण आदि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को दूर करने के इससे जो यहां पर जो है पिछड़ा हुआ है उसको जो है मुख्य धारा में जो है लाने के लिए एक टीम भावना में अपने अपने जो है विभागीय कार्यों को जो प्राथमिकता के आधार पर करते हुए जो है उसको अगले के रूप में ले आना, इसका जो है शुद्ध बोलचाल की भाषा में पिछड़े विकास खंड की दृष्टि से है। और उद्यान है मनरेगा, यानी कि ग्राम विकास से संबंधित विभाग से संबंधित योजना का है। बाय से संबंधित वो 6 इंडिकेटर है, व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास है। इसमें 9 इंडिकेटर है यानी ग्राम विकास से उससे रिलेटेड है। आधारभूत संरचना, इसमें आधारभूत संरचना में जो है सड़क आदि का है, जिसमें इंडिकेटर कौन कौन सा है सर? 1.1 से 1.6 तक 6 इंडिकेटर है। बिल्कुल सर, 6 तक है। ये आपके यहाँ से है, ये मॉनिटरिंग जो हो रही है इसके तहत आपके यहाँ से फीडिंग सर से हो जा रही है, रिपोर्ट भी, यानी स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम का दूसरा कंसेप्ट है। वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरी तरीके से दूर करना, मेडिकल की जो टीम है वो पूरी तरीके से करना, खत्म करना, टीकाकरण आदि का है। इसके अलावा उसी निकेटर को आगे बढ़ाना है। जो आपके यहाँ नेतृत्व साहब के अधिकार पूरा हो गया है, पहली चीज ये है वो तीनों लोगों का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पर से जो है भेज दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो उसको सीएमओ साहब के हाथ से वो, क्योंकि होगी प्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए सीएमओ सर जो है उसके लिए रहेंगे। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक जो हमारे हैं 3 आकांक्षी ब्लॉक हैं, कैंपियरगंज, ब्रह्मपुर और बांसगांव, जिसमें आकांक्षी ब्लॉक मतलब जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, जिसमें अभी भी हम कुछ कुछ पैरामीटर्स पे बाकी ब्लॉक या बाकी जनपदों की अपेक्षा कम है, तो उसी के संबंध में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स पर। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे।